राजस्थान में मौसम के बदलाव का दौर जारी है। गुरुवार को राज्य के कई जिलों में प्री मानसून का असर दिखाई दिया। झुंझुनू, दौसा, जयपुर समेत कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई। हालांकि प्रदेश का सबसे अधिक तापमान गंगानगर में 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान अलवर का 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकांश जिलों में दिन का तापमान अभी भी 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में आगामी कुछ दिनों तक कहीं कहीं आंधी और बारिश की संभावना है। जयपुर की बात करें तो यहां तेज गर्मी का असर बरकरार है। बादलों के छाए रहने के साथ हल्की बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दिन में गर्मी अभी भी तेज है। जयपुर में गुरुवार को दिन का तापमान 41.6 डिग्री और बीती रात का न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया। अब जानते हैं जून के प्रथम सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार 14 जून से 20 जून तक पश्चिमी राजस्थान में आगामी 3 दिन और पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 से 5 दिन दोपहर बाद कहीं कहीं आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में सामान्य से कम वर्षा होगी और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में उत्तरी और पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने और कहीं कहीं हीटवेव चलने की संभावना है। जून के दूसरे सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा। 21 जून से 27 जून तक कई जिलों में मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। तो राजस्थान के लोग तैयार रहिए इस बदलते मौसम के लिए। सावधान रहें और सुरक्षित रहें। लोकल 18 के लिए जयपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट।